अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो रमज़ान मुकद्दस महीने में जो ताखरातें जो चल रहे हैं, इसमें जो यूपी में कांड हुआ है, बड़ी तकलीफ हुई है पूरे आलम को। अतीक अहमद, अशरफ अहमद और उनके लड़के का जो हुआ है, जो शहीद कर दिया गया, योगी गवर्नमेंट जो की है, आज मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। उसके साथ साथ आज पूरे आलम में उनके लिए, यहाँ तक के मक्के मुकरमा में, मदीने मुनवरा में उनकी मगफिरत के लिए दुआ हो रही। वो शहीद हो गए, उनके घर वालों को मैं सलाम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके जो शौहर है, उनके भाई है, तो आपके बेटे हैं, बड़ा गम है आप लोगों को, हम आपके साथ हैं, मगर बड़ा रुतबा मिला उन लोगों को। और जो ये लोग जो काम किए हैं, योगी गवर्नमेंट जो काम की है, ये माफिया को असेंबली में, यूपी असेंबली में जो बार बार बताया जा रहा है कि माफिया को हम मट्ठी में मिला देंगे, माफिया इनसे बड़ा कोई नहीं है। योगी से, मोदी से, अमित शाह से, आप देखें गुजरात के 2002 में हजारों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। इनसे अतीक अहमद, अशरफ अहमद बड़े हैं, इनसे बड़े थे योगी। पूरे मुजफ्फरनगर में हजारों मुसलमान को शहीद होते हैं, कोई आज तक है सो ना, जकिया जाफर केस आज तक हल नहीं हो सका, बिचारी कोर्टों के दरवाजे खटखटा के आज ऐसो थक के बैठ गए। आज बिल्किस बानो को ले लीजिए, आप जुनेद को ले लीजिए, अखलाक को ले लीजिए, जुनेद और नासिर जो यूपी में जो बच्चों को मारा गया, उनको ले, किसके साथ इंसाफ हो रहा? यही माफिया, सबसे बड़ी माफिया ये मोदी है, योगी है, अमित शाह, अतीक अहमद और ऐसे उनके भाई अशरफ अहमद नहीं है, सबसे बड़े माफिया ये। आज मैं हमारे असद साहब को भी, अकबर साहब को भी, जितना हो गया भाई साहब, जितने स्टेट फिर लिए, बहुत फिर लिए, बहुत भगा ये लोग, कल अगर बीजेपी तेलंगाना में आती है तो आपका भी यही हाल होने वाला है, आपको भी इस्तेमाल करके इसी तरीके से खत्म कर देंगे। नुकसान हमारा होगा, यहां की आवाम का होगा, मुसलमानों का होगा नुकसान, आप समझिए इस बात को। आज ऐसे कर्नाटक में इलेक्शन है, आप माशाल्लाह आपको अल्लाह बड़ा मुकाम दे दिया, हिंदुस्तान के पहले मुसलमान में गिने जा रहे हैं आप। जहां भी स्टेट में जो भी इलेक्शन है, उलमाओं को इकट्ठा करो, पूरे उलमाओं को इकट्ठा, जो स्टेट में इलेक्शन है उन वहां पे बुलाओ, सबको बुला के ताइद करो, वहां की पार्टी से बात करो, जैसा कि सीएम इब्राहिम साहब है, कुमार स्वामी साहब है, उनसे बात करो, भाई पैकेज दो यहां के लिए, यहां के लोगों के लिए। आप यहीं बैठ के पैकेज लेके हंसो, उनकी ताइद करो, अगर उन्हों पैकेज सही नहीं देते तो दूसरों से बात करके लो। और हैदराबाद में, खासकर तेलंगाना में, आप है सो 50 सीटों पे ठहराओ, यहां पे मजबूत हो जाओ। अब यहां की सोचो, आपके जितने एमएलए हैं और एक्स एमएलए के बच्चे, जितने मैं इससे पहले भी बोला था आपको, उनको लेके बड़ी ताकत बनाओ। और आज तेलंगाना में बीजेपी और आरएसएस आने के लिए सोचना, और इंशाल्लाह हर स्टेट में यही हाल कर देंगे उनका कि हर स्टेट में एक मुसलमान को हाथ लगाने के लिए अब सोचना। आप देखिए, अब यहां से योगी पे, वहां का होम मिनिस्टर पे, कमिश्नर पे, और वहां पे जितनी पुलिस थी, अतीक अहमद को जब मारते हुए, अशरफ अहमद को मारते हुए, और उनके बच्चों का जो एनकाउंटर करे, उन तमाम को हैदराबाद में है सो इंशाल्लाह एफआईआर बना रहा हूं इनके नाम पे, योगी और है होम मिनिस्टर पे, कमिश्नर पे, सब पे एफआईआर, पुलिस पे, पूरे पे एफआईआर बना रहा हूं, इन पे 302 लगना चाहिए। वकीलों से बात करो, सीनियर वकीलों से बात करो, इंशाल्लाह ये काम बराबर करके रहूंगा। साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंशाल्लाह ताला ये बराबर काम करेंगे और इन पे एफआईआर बनाएंगे, इनको इंशाल्लाह इनकी जो करनी उसकी सजा जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करें, ये क्योंकि 27 शब है आज, इंशाल्लाह है सो पूरे मुसलमान, अल्लाह पाक है सो सबको एक और नेक कर दे और उनकी हिफाजत फरमाए।